यदि अर्थ पर सबसे ज्यादा एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी ओशियंस के अंदर है, यानी ओशियन की एनर्जी इनफाइनाइट एनर्जी का भंडार है और ओशियन की एनर्जी इनफाइनाइट टाइम के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन ओशियन से एनर्जी को बाहर निकालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अर्थ के पास में जो एनर्जी का सोर्स है वह सिर्फ और सिर्फ सन है। सन से ही अर्थ को एनर्जी मिलती है और अर्थ पर 70% पानी है, तो सन से मिलने वाली डायरेक्ट हीट एनर्जी सबसे ज्यादा पानी को ही मिलती है। तो यदि इस ओशियन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ का सोर्स होगा वह अनलिमिटेड होगा, कितनी भी एनर्जी निकाली जा सकती है ओशियन से। लेकिन इसमें दिक्कत यह आती है कि ओशियन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वह कोई भी चीज को आसानी से टिकने नहीं देता और हमारे इंसानों की इतनी औकात नहीं कि हम ऐसी चीज बनाकर ओशियन में सेट कर दे जो ओशियन की पावर का सामना कर सके। तो साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाकर सोचा कि क्यों ना इस ओशियन एनर्जी को काम में लेकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, और इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सोर्स है जो अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी देने की कैपेसिटी भी रखता है। ओशियन थर्मल पावर प्लांट एक सिंपल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह ओशियन थर्मल पावर प्लांट कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देखिए, सन से जो डायरेक्ट हीट एनर्जी मिलती है उससे जो ओशियन के सरफेस का वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ओशियन के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे तो यह टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और समुद्र की 1-2 किलोमीटर की गहराई में यदि जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए सबसे पहले एक ऐसी जगह फाइंड करनी होती है जहां पर जो ओशियन के सरफेस का टेम्परेचर और ओशियन की जो गहराई का टेम्परेचर है उसके बीच में कम से कम 20 डिग्री का फर्क हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब ऐसी जगह मिल जाती है तो यह जो आप पावर प्लांट का डायग्राम देख रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर सेट किया जाता है। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक अमोनिया पंप है, और यह पंप लगभग पानी की 2 किलोमीटर की डेप्थ में होता है, जहां पर पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। अमोनिया का पंप यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अमोनिया को ही एज ए फ्यूल यूज में लिया जाता है, क्योंकि अमोनिया का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। और यदि रूम टेम्परेचर की बात करें तो अमोनिया रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ऊपर की तरफ ई वेपोरेटर लगा है जो अमोनिया को वेपर में बदलता है, और साइड में एक कंडेंसर लगा है जो अमोनिया को ठंडा करने के काम में आता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है तो नीचे से अमोनिया को पंप किया जाता है, और जैसे ही अमोनिया पंप होकर इस पाइप के थ्रू ई वेपोरेटर के पास में पहुंचती है तो यह ई वेपोरेटर ओशियन का जो सरफेस वाटर है वहां पर लगा रहता है, और ओशियन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लगभग 25 डिग्री। तो यह अमोनिया इस सरफेस वाटर को कॉन्टेक्ट में आकर वेपर में बदल जाएगी। अब देखिए, यह जो ई वेपोरेटर है ना, इसके अंदर छोटे छोटे पाइप से अमोनिया को फ्लो करवाया जाता है, और बाहर की तरफ गर्म पानी रहता है, तो उस गर्म पानी से जो पतले पतले पाइपों के अंदर अमोनिया है वह वेपर बन जाती है, और पानी फ्लो होता रहता है तो यह अमोनिया को गर्म करके आगे निकल जाता है। जब अमोनिया वेपर में कन्वर्ट होती है तो इसको टर्बाइन पर भेजा जाता है, और टर्बाइन रोटेट करने लगता है, और टर्बाइन के आगे लगा रहता है जनरेटर, तो जनरेटर भी रोटेट करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाती है। अब टर्बाइन को क्रॉस करके जो अमोनिया आगे निकलती है उसको कंडेंसर के पास में भेजा जाता है। कंडेंसर क्या करता है कि यह जो गर्म अमोनिया है इसको वापस ठंडा करता है। अब कंडेंसर भी सरफेस वाटर के पास में ही लगा रहता है, तो यहाँ पर तो गर्म पानी है, तो इसके लिए कंडेंसर के पास में भी एक पंप होता है जो ओशियन की डेप्थ में से ठंडा पानी निकाल कर लाता है और इस अमोनिया को ठंडा करके पानी को इधर साइड में छोड़ देता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर कंडेंसर में भी एकदम पतले पतले पाइप होते हैं, और इन पतले पाइपों से अमोनिया को फ्लो करवाया जाता है, और इन पतले पाइपों के बाहर ठंडा पानी रहता है, तो इस अमोनिया को स्टीम से वापस लिक्विड स्टेट में लाकर जो अमोनिया का पंप है नीचे उसके पास में भेज दिया जाता है, और इस तरीके से यह साइकिल चलती रहती है और एनर्जी जनरेट होती रहती है। अब यह तो था इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं रियलिटी पर कि असल में क्या होता है। एक औरत को और समंदर को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसके अंदर क्या राज होते हैं किसी के बाप को भी नहीं पता। जब हम यह पावर प्लांट ओशियन के अंदर डालते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाए इस पावर प्लांट के लिए जो समंदर की
की पावर को सहन कर सके। जो हम ई वेपोरेटर और कंडेंसर बनाते हैं वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना ओशियन के अंदर जो वेव आती है वह बहुत ही खतरनाक होती है। और यह कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप यह जो स्टॉर्म आते हैं उनसे लगा सकते हो, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर तबाही मचा देते हैं। तो समंदर के अंदर तो वह क्या करती है सोच सकते हो आप। और आपको पता ही है समंदर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े जानवर रहते हैं जैसे शार्क फिश, तो वह भी इसके स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो गया कि ऐसे इक्विपमेंट बनाओ इस पावर प्लांट के लिए जो टिक सके, और यदि ऐसे हेवी इक्विपमेंट बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से यह पावर प्लांट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। हालांकि इस पावर प्लांट के पास में एनर्जी बहुत है, इतनी एनर्जी है कि पूरी अर्थ की एनर्जी को यह कवर कर सकता है, लेकिन कॉस्ट की वजह से हार माननी पड़ जाती है यहाँ पर। इस पावर प्लांट की अच्छी बात यह है कि इसको हम डायरेक्ट ग्रिड से जोड़ सकते हैं। यह पावर प्लांट साल के 365 दिन और 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, इसलिए इसको हम बेस लोड पर भी काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना सिर्फ ले सकते हैं, मैंने यह नहीं कहा ले रहे हैं। इस पावर प्लांट में एक दिक्कत यह भी है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है, सिर्फ 5%। यदि सीधी भाषा में समझे तो यदि आप 100 रुपए कमा के लाते हो और अपने घर पर पहुंचते पहुंचते आपके 95 रुपीज खर्च हो जाते हैं और सिर्फ 5 रुपए बचते हैं, तो वही इसकी एफिशिएंसी है, सिर्फ 5 रुपए जीते हैं, यानी 5%। फिर भी हम इतनी कम एफिशिएंसी बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि ओशियंस के पास में तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, 5% मिले वह भी ठीक है। इस 5% को जोड़कर हम पूरी अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी बेहतर ऑप्शन हमारे पास में विंड और सोलर भी है। रिसर्च से यह पता चला कि जो इंडिया की ओशियन थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है वह 180 गीगावाट है और इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 383 गीगावाट है, यानी 50% इलेक्ट्रिसिटी हमें ओशियन से मिल सकती है, लेकिन अभी हमने इस पर कोई पावर प्लांट नहीं बनाया है ओशियन थर्मल एनर्जी को लेकर। तो अभी तो ओशियन थर्मल एनर्जी इसकी कॉस्ट की वजह से लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं है, और यदि जैसे ही इसकी कॉस्ट कम होती है तो इसका यूज भी अच्छे से होने लग जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो बनाया गया है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, और यदि आपका कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर बताना फ्यूचर वीडियो के बारे में। लेकिन यार वीडियो की जल्दी मत करना, यदि आपका सजेशन है तो मैं उसको जरूर कवर करूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको ऐसे ही जबरदस्त शानदार वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।